विस्तार के एल्गोरिथम के दिलचस्प उदाहरण भाग दो। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि दो संख्याओं के घटाव को अलग अलग व्यवस्थित तरीकों से कैसे लिख सकते हैं। इस वीडियो में हम घटाव के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। आज रविवार का दिन है। कल छोटू और पिंकी की दोस्त आरती का जन्मदिन है। पिंकी आरती के लिए 4 टॉफी लाई है। पिंकी, मुझे एक टॉफी दो ना प्लीज। नहीं छोटू, यह 4 टॉफी आरती के लिए हैं। मैं तुम्हें इनमें से एक भी टॉफी नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे लिए कल और टॉफी ले आऊंगी। ओह अच्छा, ठीक है पिंकी। तो बच्चों, पिंकी ने छोटू को 4 टॉफी में से एक भी टॉफी नहीं दी, यानी 0 टॉफी दी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या आप लोग इसका उत्तर बता सकते हो? क्या आपको लगता है इसका उत्तर 0 होगा? नहीं ना, इसका उत्तर 4 होगा। आप लोगों का भी यही उत्तर था ना? बहुत अच्छे। यानी 4 - 0 = 4। एक संख्या में से अगर 0 घटाते हैं, यानी अगर कुछ भी नहीं घटा, तो उत्तर वह संख्या ही होती है। समझे? चलो अब मैं आरती के लिए बर्थडे कार्ड बना देती हूँ। उस डब्बे में देखो कितनी सारी रंग बिरंगी पेंसिल है। क्या तुम मुझे उनमें से कुछ पेंसिल दे सकती हो? हाँ, येलो पिंकी। थैंक यू छोटू। तो बच्चों, पेंसिल के डब्बे में पहले 9 पेंसिलें थी और उनमें से कुछ पेंसिल छोटू ने पिंकी को दे दी। अब उसमें 6 पेंसिल बची हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि छोटू ने पिंकी को कितनी पेंसिलें दी? चलो देखें। पहले 9 पेंसिलें थी, उसमें से अगर एक पेंसिल निकालेंगे तो बचेंगी 8 पेंसिलें। अगर 2 पेंसिलें निकालेंगे तो बचेंगी 7 पेंसिलें। अगर 3 पेंसिलें निकालेंगे तो बचेंगी 6 पेंसिलें। यानी छोटू ने पिंकी को 3 पेंसिलें दी। इसको हम एक और तरीके से हल कर सकते हैं। डब्बे में 9 पेंसिलें थीं और छोटू के कुछ पेंसिलें लेने के बाद 6 पेंसिलें बचीं। यानी 9 पेंसिल में से 6 पेंसिल बचीं, तो छोटू ने यह 3 पेंसिल ली होंगी। यानी 9 - 3 = 6। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि घटाव के प्रश्न व्यवस्थित तरीके से कैसे हल करते हैं। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय दोस्तों।